वहीं जेपी नड्डा ने कहा है कि बिहार में जब जब एनडीए की सरकार बनी है तब तब बिहार में विकास की गति ने छलांग लगाई है। बात चाहे आधारभूत संरचना की हो या शिक्षा, रोजगार और कानून व्यवस्था की, एनडीए की सरकार में बिहार तेजी से आगे बढ़ा है। ऑन रिकॉर्ड है कि जब जब एनडीए की सरकार आई है तब तब बिहार में स्टेबिलिटी और विकास की गति ने नई छलांग लगाई है। अगर हम देखें तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे हेल्थ का स्ट्रक्चर सेक्टर हो या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, सभी मामलों में जब जब एनडीए ने लीड किया है और एनडीए की सरकार आई है तो बिहार हमेशा विकास की गति को एक अपने आप में गति मिली है। जेपी नड्डा ने कहा कि एनडीए अलायंस अपवित्र गठबंधन है और ये चलने वाला नहीं है। बिहार में भी एनडीए अलायंस धरातल पर उतरने से पहले बिखर गया। नड्डा ने कहा कि एनडीए अलायंस परिवार बचाने के साथ ही संपत्ति बचाने, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और तुष्टीकरण का अलायंस था। जहां तक एनडीए अलायंस का सवाल है, हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, ये अनसाइंटिफिक अलायंस, ये अलायंस चलने वाला नहीं है। और ये जो पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, जो अपने आप में एक तरीके से बेनतीजे समाप्त हुई, और ये जो अभी इनकी अन्याय यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा है, और ये जो इंडिया अलायंस है, ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। बंगाल में इसको ममता जी ने अच्छा पलीता लगाया, पंजाब में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, और बिहार में जो हुआ है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि इंडिया अलायंस, जो ये अलायंस था, वो कॉन्सेप्ट वाइज भी और धरती पर उतरने से पहले ही यह बिफर गया है और बिखर गया है। और यहां यह भी मैं कहना चाहता हूं कि यह इंडिया अलायंस कोई और अलायंस नहीं था, ये अलायंस परिवार बचाओ अलायंस था, ये अलायंस प्रॉपर्टी बचाओ अलायंस है, ये अलायंस जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनका जमावड़ा है, और यह अलायंस तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला अलायंस है। वहीं बिहार कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि नीतीश कुमार की जितनी उम्र नहीं होगी उससे ज्यादा पुरानी कांग्रेस पार्टी है। अखिलेश ने कहा कि नीतीश कुमार का प्लान पहले से ही फिक्स था, कांग्रेस ने उन्हें संयोजक बनने का न्योता दिया था लेकिन उन्हें बीजेपी के साथ जाना था। केसी त्यागी जी और नीतीश जी जब पैदा नहीं हुए होंगे उस समय से कांग्रेस पार्टी पिछले 100 साल से ज्यादा की ये पार्टी है और 138वां साल है ये, तो इसलिए इस तरह का बात करना, ये लोग कब के हैं? वही तो कह रहे हैं कि समाजवादी बनते हैं और समाजवाद किस तरह से अवसरवाद में बदल जाता है, ये तो मैं जनता पर ही छोड़ता हूँ, ये सवाल मैं बिहार के लोगों के बीच छोड़ता हूँ। संयोजक पद भी हम लोगों ने देने का उनको ये किया था, लेकिन ये पहले से अपना ये लोग दिमाग बना चुके थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने सम्मान देने का काम किया ये आग्रह करके कि आप कन्वेनर बनिए, लेकिन चूंकि उनको जाना था फिर से सांप्रदायिकता के गोद में जाना था, सांप्रदायिकता की राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए वो उधर चले गए।